ਚੁਰੀਸ਼ ਹਾਂ ਚੁਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਾਂ ਕਿਆ ਫਿਸ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਫਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਯਹੀ ਰੈਸਪੀ ਹਮ ਚਿਕਨ ਸੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੌਨਸ ਵੀ ਇਸਮੇ ਹਮ ਡਾਲ ਸਕਤੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ ਔਰ ਬੀਫ ਸੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਔਰ ਚਿਕਨ ਮੇਂ ਲਗੇਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਅਪਨੇ ਕਾਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ ਯੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਯੇ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਦੋ ਕੱਪ ਚਾਵਲ ਬੋਇਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰੱਖੇ ਹੈ ਚਾਰ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਹਮਨੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤੋ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਡਬਲ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਮ ਲੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਬਣਾਨੇ ਲਗੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਮਨ ਸੌਸ ਚਿਕਨ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਤੋ ਮੈਂ ਇਸਮੇਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਸਕੋ ਵੀ ਲੈਮਨ ਕਾ ਰੰਗ ਦੇਣੇ ਲਗੇ ਹੈ रंगने लगे हैं और इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूंगी ये देखें बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रही हूँ सभी चीजें मैं इसी में डालकर इसको पकने के लिए रख दूंगी बिल्कुल ठीक है काली मिर्च है कुटी हुई ये भी 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी ठीक है और सोया सॉस है इसमें 2 टेबल स्पून काली मिर्च सोया सॉस और जर्दा रंग डाला नमक और जर्दा रंग बस डाला है इसको मैं थोड़ा मिक्स करूंगी और इसको हम हल्की आंच पे जैसे ही इसमें बॉयल आएगा फिर इसको हम दम वाली आंच पे रख देंगे ये खुद ब खुद पकते रहेंगे इनका मसला हमने हल कर दिया सबसे आसान राइस इनका काम हमने तमाम कर तमाम कर अच्छा उसके बाद हम लेते हैं फिश इसके लिए मैं फिश फ्राई करूंगी और सॉस हम इसके लिए एक अलहदा बनाएंगे मैं ये कर रही हूँ कि मैं सॉस को अलहदा सर्व करूंगी इसके साथ ताकि उसमें फिश को जब हमने खाने के वक्त जिसको जितना चाहिए सॉस वो फिश रखे और साथ उसके हस्बैंड जायका वैसे मिक्स भी कर सकते हैं जैसे चाइनीज डिशेज में करते हैं लेकिन मैं आज नहीं कर रही इसके मैंने बाइट साइज क्यूब्स काट लिए अब बाइट साइज आपका अपना जो है आप उस हिसाब से काटे लेकिन 1 इंच के पीस इसमें तकरीबन ठीक है ठीक है ठीक है इसमें अच्छा हम लोग अब ऐड करेंगे सो बोनलेस हमने चिकन बगैर कांटे के हमने मछली लेनी है और लेनी भी यही ठीक है और उसको हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में स्क्वायर स्लाइसेस में काट लिए अब उसमें हम डालने लगे हैं नींबू जी नींबू मैं डालती हूँ जरा भी चम्मच फिर गीला हो जाएगा इसमें सबसे पहले मैं 1/2 टीस्पून बल्कि इससे भी थोड़ा कम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ठीक है और सोया सॉस 2 टेबल स्पून अच्छा मैं आपसे आपको बताऊं कि हम फ्रोजन फिश जब लेके आते हैं ना तो उसके उसके ऊपर 1 kg का पैक होता है लेकिन जब हम उसको निकालते हैं डीप रोस्ट करते हैं तो वो इतनी रह जाती है 1/2 kg इसलिए इस चीज का बहुत ख्याल रखें आप ठीक अच्छा इसमें हरी मिर्चें जाएंगी चॉप की हुई सही थोड़ी सी हरी मिर्च और ये फिश से तो फर्क नहीं पड़ता ना कि कोई खास किस्म की फिश है क्या कोई भी बगैर कांटों की मछली जो है चलेगी अच्छा काली मिर्च इसमें आएगी 1/2 टीस्पून और इसमें नमक तो मैंने डाल दिया इसमें पिसा हुआ लहसुन आएगा सही और ये जो थोड़ा सा और लहसुन नजर आ रहा है ये हम सॉस के लिए इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल ठीक सोया सॉस नहीं डाला मैंने डाला था खैर एक चम्मच और डाल लेते उससे कोई फर्क नहीं अच्छा ठीक है ठीक है और इसमें थोड़ा सा मैं नींबू का रस डाल ये क्या चीज थी ये फिश सॉस है अच्छा फिश वो हमने सॉस के लिए रखा ठीक इसको मैं मिक्स करूंगी सो हमने लहसुन डाला थोड़ा सा काली मिर्च डाली सोया सॉस डाला बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली थोड़ा सा नमक डाला और इसको हमने लेमन थोड़ा सा डाला और इसको हाथ से मिक्स कर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ठीक है और इसको हमने ताकि हमने इसको क्रिस्पी सा फ्राई करना है इसका बैटर कड़ा बनेगा एक और ये शैलो फ्राई डीप फ्राई करेंगे आप है ना जी डीप फ्राई करना है बिल्कुल ठीक और मैं पिकॉलर से भी इसको शामिल करूंगी अस्सलाम वालेकुम शाजिया कैसी हैं फाइन अल्हम्दुलिल्लाह फरा इट्स जस्ट ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू बहुत शुक्रिया शाजिया आप सोच नहीं सकती हो अब जब से शो शुरू किया मैं आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन मैं कर ही नहीं सकी मुझको प्यार से वो टलता रहा और आप इतना प्यारा शो करती हो लगता है जैसे हमारे दिलों की आवाज होती है बहुत और आपकी मेहनत नजर आती है मैं आपको इतना इतना पसंद करती हूँ इतना लाइक करती हूँ इतनी इंस्पिरेशन लेती हूँ कि आप सोच नहीं सकती हो और आपके लिए इतनी दुआएं निकलती हैं कि आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना बहुत शुक्रिया आप के शो में गए थे तो आप अकेले भी रो रहे थे आपके साथ मैं भी रो रही थी बहुत ज्यादा रो रही थी और आप कभी भी आपकी आंखों की चमक हमारी आंखों की चमक होती है आई एम वेरी सॉरी मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को हर्ट कर दूंगी लेकिन
No, you never hurt. You never hurt. You just speak the voice of our heart. You never hurt us. आप अकेले नहीं हो खरा और आप जब आपके यहाँ से चमकी शो के दौरान कुछ प्यारी बात सुन के अपने मुल्क के लिए अच्छी बात सुन के उसके साथ साथ हम भी शाइन करते हैं और आप सोच नहीं सकती हो आप इतने सारे शोज में से मैं किसी को बुरा नहीं कह रही आप कितनी बड़ी इंस्पिरेशन हो हमारे लिए हमें लगता है कोई तो कुछ कर रहा है ठीक है सब लोग कमर्शियल्स होते हैं सबने मनी बनानी है लेकिन कोई कुछ मुल्क के लिए भी कोई कर रहा है बहुत शुक्रिया आपके सारे शोज में से जो मामूली सी भी कोई चीज हासिल कर लेता है वो उसके लिए कितनी बड़ी बात है आप सोच नहीं सकते हो बहुत शुक्रिया आपको बहुत हम लोग जब पढ़ लिख के और जॉब करके फिर हम पमंद हो जाते हैं अपने हस्बैंड का मुख्तलिफ मजबूरियों में हम घरों में बंद हो जाते हैं आप लगता है जैसे एक हवा का झोंका हो हमारे लिए एक विंडो हो हमारे लिए आपको देख देख के लगता है जैसे हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है फरा मुझे आप आपके दोनों बेटों के लिए मेरी बहुत दुआएं बहुत शुक्रिया नेवर नेवर फील यूर अलोन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रियल पाकिस्तानी गर्ल हो रियल पाकिस्तानी वेरी ब्यूटीफुल वेरी इंस्पिरेशनल वेरी एजुकेटेड एंड वेल सिविलाइज बहुत शुक्रिया थैंक यू गॉड ब्लेस यू आपने इतनी सारी तारीफें कर दी है कि यू मेड माई डे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू अच्छा जी आगे क्या होगा मैं भी बहुत खुशी हुई है आपकी तारीफें इतनी सुन के क्योंकि किसी ने तो महसूस किया ना हाँ लेकिन बहुत आपका बहुत शुक्रिया मुझे एक चीज की बड़ी तकलीफ है कि बहुत सारे लोगों ने शायद बहुत और तरह से लिया उस दिन जो इंटरव्यू में बातचीत हुई इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन संभव जब भी कुछ बातें ऐसी होती है उस पर थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर इंसान को दुख तकलीफ होती है शायद लेकिन वो वक्ती तौर पर होती है इसलिए यू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स देन यू मूव ऑन और जिंदगी में और बड़ा कुछ है और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा सही अच्छा इसमें मैंने एक बैटर जो बनाना है उसके लिए मैंने एक अंडे को फेंट लिया उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया इसमें मैं 4 टेबलस्पून जो है मैदे के ऐड करूंगी और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के इतना ही है तकरीबन और इसमें मैं हसबे जरूरत पानी ऐड करूंगी जो हमें जैसे कस्टर्ड जितना थिक होता है ना उतना हम इसको सिर्फ करेंगे और फिर इसमें डबो के फिश को फ्राई करेंगे और फिर उसके साथ में सॉस बनाऊंगी ठीक है और अंडे में आपने जो चीजें डाली थी वो एक दफा सिर्फ नमक और काली मिर्च डाला है और आपके सामने मैदा डाला है और कॉर्नफ्लोर डाला है बिल्कुल सही आप रेसिपी पे एक नजर डालिएगा क्योंकि अब इसको बनाने के बाद बैटर को तलत में सिर्फ फिश को इसमें डिप करना है और फ्राई करना है हम बेक लेके जब वापस आएंगे तो फिर आपको सॉस का तरीका भी बता बिल्कुल आप खुश आमदेद सॉस के लिए हमने थोड़े से ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल है उसमें 1 टीस्पून मैंने चॉप गार्लिक लहसुन जो है वो डाल दिया है और थोड़ा सा जो हरी मिर्च मैंने बचाई थी वो इसमें डाल दी है इसको सिर्फ हमने इतना गर्म करना है कि इसमें से एक इसका खुशबू जो है उठना शुरू हो जाए और इसको हमने बहुत ज्यादा पकाना नहीं है लहसुन को ठीक है और इसके अंदर मैं जैसे ये गर्म होता है तो इसमें 4 टेबलस्पून मैं लेमन जूस के ऐड करूंगी ये है ही इतना तकरीबन और मैं ये डाल ये इस क्वांटिटी की फिश में है ना ये इस क्वांटिटी ठीक है सो इसमें कोई ये नहीं है कि इस तरह ब्राउन हो जाए या नहीं नहीं लहसुन का उसका तो उसका जितना हम किसी चीज को पकाते जाते हैं ना उसका कुकिंग टाइम ज्यादा होता जाता है उसका टेस्ट भी चेंज होता जाता है तो अभी हमें इसके लिए जो टेस्ट चाहिए लहसुन का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अच्छा कौन से एरिया की डिश है कौन से चाइनीज है ये चाइनीज गुड सिर्फ राइस इसमें मैं अपनी मर्जी के बना रही हूँ अब इसमें क्या डलेगा
इसमें मेरा ख्याल है पहले पानी ही डाल दूँ क्योंकि ये इतना अच्छा कुक कर रहा है चिल्ले सॉस का। इसमें तकरीबन 1 कप हमने पानी ऐड करना है। अब इसमें बाकी सब चीजें डाल जाएंगे और सिर्फ इसको थिक करना है बाद में हमें कॉर्नफ्लोर के साथ। यानी बाकी सब चीजों में नमक, काली मिर्च हाफ से भी कम मैं डालूंगी इसमें, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और ये फिश सॉस है 1 टीस्पून, ठीक, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, 2 टीस्पून या 2 टेबल स्पून सोया सॉस हम थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ ताकि वो जो बहुत तेजी है ना लहसुन उसकी लेमन जूस अब इसे गाढ़ा कर लेना। इसको फिर हमने थोड़ा सा पकाना है और गाढ़ा करना है। इसमें सिर्फ हमने जब हरा प्याज जो ऐड करना है बिल्कुल एंड में बंद करके, ठीक है, वरना उसका और फिश जो है वो क्रिस्पी हमने फ्राई करके इसके अंदर डाल देंगे। और जो इसकी सर्विंग होगी वो हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे, जो प्रेजेंटेशन पे लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे बाद मैंने आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा, बहुत खुशी हुई क्योंकि इकट्ठा हो गया था, बस आपको देखा ही नहीं था, मॉर्निंग शो में देखती थी, इस तरह ही मैंने आपको डिफरेंट प्रोग्राम में देखा, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आपने खुद को इतना अच्छा कैरी किया हुआ है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपको देख के एक बहुत खुशी हुई और खुद अपनायत फील होती है कि हमें भी चाहिए खुद को ऐसे ही मेंटेन करके रखना चाहिए। सलीम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और आपके प्रोग्राम की बहुत 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 मैंने तारीफ करनी थी, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपकी एक शेफ की भी थैंक यू कहना था इनको, बहुत माशाल्लाह अच्छी हमें रेसिपी भी बताती है। कोई रेसिपी जो आप फरमाइश करना चाहें? ये चिकन शवारमा बना चुकी हैं, हो सके तो कभी रेसिपी रिप्लाई कर दें या थोड़ा सा बता दें अगली रेसिपी का बता। मैं ना चिकन कोफ्ता बनाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा हार्ड होता है, होता बिल्कुल ठीक तैयार है, सॉफ्टनेस नहीं होती, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं साथ बना के ही बताऊंगी, ऐसे मैं नहीं बता रही। जिस दिन हम इंशाल्लाह बनाएंगे जल्दी, हम उसको लाइन अप करते हैं और हम बनाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा, तो हम आपके लिए फिर कोफ्ता जो है बना के यहाँ पे बता देंगे। अच्छा वैसे आज कॉल्स कौन दे रहा है ऊपर से? कोई खास किस डिस्प्ले पे? फिश विद लाइम सॉस हमने आपको बताया था कि जिस तरह से इसको तैयार करना है, रेसिपी आपने यकीनन नोट की होगी, ट्राई कीजिएगा फ्लेवर और एंजॉय कीजिएगा। जाती सर्दियों का ये बहारे हैं, जो जितना ज्यादा आप खा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी न्यूट्रिशन हमें मिलती है। कमिंग बैक,